बात वही है कि खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया ने मैकेनिज्म्स बनाए। तो फिर जब ये पाकिस्तान में हुआ बैन, ये मतलब डायरेक्ट बैन लगा देना, ऑल तो खैर अभी टेम्पररी है, अभी इसके ऊपर हेयरिंग होनी है, सही। लेकिन देखिए बैनिंग करना ये बहुत आपको ड्रास्टिक स्टेप नहीं लगा? जब आपके आपका यूथ इस हद तक पहुंच रहा है कि सुसाइड कमिट करने का सोच रहा हो, ठीक है, इस चीज पे कि आपने गेम से जाने पे इनकार कर दिया उससे, उनसे उनसे या उनको कहा कि उठ जाओ यहाँ से, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी यू हैव टू बाय टाइम इन ऑर्डर टू ब्रिंग रेगुलेशंस इन, ठीक है। आपको एक टाइम मिल जाता है जिसमें आप सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या किया जाए इसके लिए, ठीक। और वो इसलिए होता है कि सुसाइड एक एंडेमिक ना बन जाए, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। मुराद, हाँ जी, ये सुसाइड जो है एक इसका फिनोमिना है जिसे कहते हैं कॉपी कैट सुसाइड। ओके, ये मिड 1930s या 40s में शुरू हुआ था, और ये ऐसे शुरू हुआ था कि गोएटे थे एक फिलोसोफर जिन्होंने एक किताब लिखी थी विच वॉज कॉल्ड द वर्दर इफेक्ट। उसमें उस हीरो का नाम वर्दर था जो आखिर में सुसाइड कमिट कर लेता है, अरे इट्स अ क्लासिक, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि उस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने उसी तरीके से जिस तरह वर्दर साहब ने सुसाइड कमिट की थी उसी तरीके से सुसाइड कमिट करना शुरू कर दी, और दैट वाज नोन एज द वर्दर इफेक्ट, और उसको कॉपीकैट सुसाइड्स कहते थे। इस किस्म की रेप्लिकेशन बहुत बहुत जगह पे दुनिया में हो चुकी है। रिसेंटली जो वाकया है वो ब्रिजन सुसाइड्स है, साउथ वेल्स में हुआ था विदिन ईयर। तकरीबन 15 से 20 साल के बच्चे, तकरीबन 20 से 30 के दरमियान नंबर है, वेरी वेरी करता है, दे हंग देमसेल्व्स ऑल ऑफ देम, ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे, और इन इन वेरी सिमिलर सर्कमस्टांसेस, वेरी वेरी सिमिलर सिचुएशंस, ठीक है। तो वो भी एक कॉपी कैट सुसाइड मानी जाती है। तो कभी कभी अगर आप उस चीज को रोके नहीं उसी वक्त उसी जगह पे, तो ऐसा ना हो कि एक कैस्केड शुरू हो जाए, सही है, और सही उस कैस्केड की वजह से, अब तो एक बहाना है कि बैन है, ठीक है, इसलिए नहीं जा सकते हैं। अगर पेरेंट्स ने वो किया और उनसे कहा, अच्छा उस बच्चे ने भी खुदकशी की थी, मैं भी खुदकशी कर लूंगा, ठीक सही, है, ठीक है, आपका माइंड सेट इतना मेच्योर नहीं होता कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। सही, सो आई होप इट इज वो क्या कहते हैं, इट्स अ स्ट्रेटेजी टू बाय सम टाइम ताकि सही। रेगुलेशंस इन प्लेस हो सकें। रेगुलेशन सिर्फ गेमिंग के नहीं, रेगुलेशन सोशल मीडिया के भी, रेगुलेशन इंटरनेट यूज के भी, सही, ठीक स्पेशली चिल्ड्रन टीनेजर्स के लिए, क्योंकि है, इम्प्रेशनेबल है ये, बहुत बिल्कुल वल्नरेबल बहुत और इम्प्रेशनेबल है। इम्प्रेशनेबल, ठीक बिल्कुल है। अच्छा चलें, ये तो इसके ऊपर हो गया, मतलब वही बात है कि जब तक हम कोई रेगुलेशन, कोई कोपिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं करा लेते, तो शायद कुछ हो ना हो, आई थिंक इस चीज ने बैन की वजह से ही सही, लेकिन एक डायलॉग इनिशिएट हो गया है, लोगों ने इसके ऊपर बात करनी तो अटली शुरू की है, और शायद यही वो ट्रिगर था जो हमें चाहिए था पाकिस्तान में भी, इसकी रेगुलेशन की बात करने के लिए, इसकी कोपिंग मैकेनिज्म, क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर बात करने के लिए, और ये रेकग्नाइज करने के लिए कि गेमिंग एडिक्शन है, नहीं है, एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और जो मैं एक बात आखिर आखिरी कहूंगा और आखिरी बात होगी वो ये होगी कि गेमिंग डिसऑर्डर, गेमिंग एडिक्शन इज अ रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन, मत भूलिएगा, इस पे सोचिए, मैंने कहा है उसको, उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए और आगे के लिए फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज बनाइए। सही, ठीक है, चलें इसी के ऊपर फिर खत्म करते हैं बात। इसके ऊपर अगर कोई जाहिर है, इसके ऊपर किसी ने डिस्कशन करनी है, इसका किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को के ऊपर बात करनी है, कोई रिस्पांस चाहिए, तो दे कैन रीच आउट उसके।